एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, देखो तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे इस वीडियो में, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया है, ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड में है तो तुमसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसी रिएक्शन का अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो बैकवर्ड में उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो पूछी जाती है, वो हमें समझना है कि हम कैसे निकालते हैं। फिर हमें ये समझना है कि अगर हम उसी रिएक्शन में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर कोई अगर एक नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या कोई फर्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो वो वैल्यू कितनी होगी वो पूछी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब चीज समझने वाले हैं कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे जब रिएक्शन में कोई चेंज आएगा, जब रिएक्शन के इक्वेशन में कोई चेंज आएगा। समझ आया? सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो सबसे पहले क्या है, तुम्हें अगर ये समझना है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केमिकल इक्वेशन, तो उसके लिए पहले मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है, H2 गैस प्लस I2 गैस क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव 2 moles ऑफ HI। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है उसे तुम लोग क्या बोलोगे कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, ये एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। मतलब ये लिख सकते हैं कि इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये तुमने यहाँ पे लिखा हुआ देखा तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तुम्हें यहाँ से यही तो पता चल रहा है कि अच्छा दो मतलब हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है टू, एंड वो क्या दे रहा है, 2 moles ऑफ HI दे रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, किसी के केमिकल रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हो, और किसके हेल्प के थ्रू कर रहे हो, इक्वेशन के थ्रू बता रहे हो, है ना। तो देखो हम यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने पिछले टॉपिक में तुम लोग को क्या पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के, और उसके भी दो टाइप होते हैं, केपी और केसी। वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो अगर नहीं समझ आता है या कोई डाउट है तो पिछले वीडियो में जाके तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी इक्वेशन के लिए के की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं के की वैल्यू कैसे लिख सकती हूँ, HI की पावर 2 अपॉन क्या लिख देंगे हम, H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक, अब अगर बच्चे को अच्छे से पता है K के बारे में कि हम K कैसे लिखते हैं किसी रिएक्शन के लिए, तो अगर मैं इसे हटा भी दूं और इतने पोर्शन से किसी को बोलूं कि अच्छा यहाँ से तुम देख के बेसिकली ये केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो क्या, तो अगर बच्चे को आता है तो वो तो आराम से इस ये पोर्शन को देख के वो किसी भी इक्वेशन को लिख सकता है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किस पे डिपेंड करता है, केमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन पे। समझ आया, मतलब यही है ना, अगर ये चीज तुम देख रहे हो तो इससे तुम केमिकल इक्वेशन को भी तो लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हम ये चीज बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट it also depends on mode of representation of a chemical equation, है ना, ये चीज हम बोल सकते हैं कि तो अगर ये chemical equation कैसे लिखा है उसके तरीके पर depend करता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी चेंज हम किसी एक केमिकल इक्वेशन में लाते हैं, वो चेंज हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, इधर बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर और बाय डिवाइडिंग अ नंबर, है ना, यही सब चेंजेस तो हम ला सकते हैं। तो अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में कोई चेंज लाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है बेटा कि वही चेंज तुम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन में भी शो करो। अगर वो रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन फुल्ली किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समझ आया, बहुत ज्यादा इसमें रिप्रेजेंट हो गया है ना। तो देखो जितनी बात मैंने यहाँ पे अभी तक समझाई, आई होप समझ आई होगी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर कोई एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसकी के की वैल्यू, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, के। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो इक्वेशन दिया है, अगर इसी का रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे लिख दो, तो तुम्हें बताना होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो क्या वैल्यू होगी, वो तुम्हें बतानी है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो इस इक्वेशन का बैकवर्ड फॉर्म, बैकवर्ड रिएक्शन लिखो। हमने ये क्या लिखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। तो अगर हम बैकवर्ड में ये रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ये कैसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा, 2HI क्या दे रहा है, H2 प्लस I2, यही तो लिखेंगे बैकवर्ड में। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें बताना है कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो मैंने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या मान ली, K-, तो K- कैसे लिखोगे, K- क्या होता है बेटा, इसका रेशियो टू द इसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा, H2 का कंसंट्रेशन I2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, HI का पावर होल ट्वाइस, यही तो होगा, ऐसे ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो किसका रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने, इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें इसका वैल्यू बताना है, मतलब इसको, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होता तो हम इसके लिए वैल्यू कैसे निकालते, तो कैसे निकाला जाता है बेटा, देखो। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले रिएक्शन के लिए एक और तरीका निकाल के इसे लिख सकती हूँ, देखो वो तरीका क्या है। अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूँ, 1/ क्या, इसी वाले को, यही हमारा मेन फोकस है, सब चीज हम इसी के साथ करेंगे छेड़छाड़, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, क्या, HI का पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, H2 का कंसंट्रेशन 2 I2 का कंसंट्रेशन, अगर मैंने इसे कुछ ऐसा लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में, तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I2 का कंसंट्रेशन H2 का कंसंट्रेशन, I2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, HI का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया ना। अब तो एक बात बताओ, अब जरा इसको और इसको गौर फरमाओ, क्या ये सेम है, सेम ही चीज है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ आए, यहाँ से हमें ये समझना है बेटा कि अगर किसी भी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हें निकालना है तो तुम क्या कर दो, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके वैल्यू का इनवर्स कर दो, बस, समझ आए। मतलब अगर यहाँ पे 1/20, मतलब अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लो 20 होती, है ना, इसकी वैल्यू अगर 20 होती तो K- की वैल्यू हम इसी रिएक्शन के लिए, इसी रिएक्शन का रिवर्स के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाता, K-1/K, that is 1/20, ये आंसर आ जाता, K-, that is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, तो रीजन ये है, देखो K-, हम क्या लिख सकते, इसे देखो, इसे फोकस करो, ये पोर्शन क्या है बेटा, ये यही तो है, के ही तो है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, K-1/K, क्या होगा, 1/K। तो यही होता है कि अगर कोई एक फॉरवर्ड रिएक्शन दिया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर तुम्हें दिया है और तुमसे अगर पूछ लेंगे कि उसके रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो तुम सीधा सीधा क्या कर दो, फॉरवर्ड वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का इनवर्स कर दो, समझ आया। तो आई होप ये वाला पॉइंट तुम लोग को क्लियर होगा। अब मैं आगे दूसरी बात बताऊंगी, उससे पहले तुम सब लोग ये छाप लो, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो यही रिएक्शन है, अब हमने एक बार तो इसका क्या किया, रिवर्स करके उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना है कि अगर इसी रिएक्शन को, इफ इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर कोई एक इक्वेशन दे रखा है, अगर हम उस इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को किसी नंबर से, मतलब 2 से अगर डिवाइड करूं, तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिखूंगी, 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 क्या I2 गैस विल गिव HI गैस, है ना, यही तो लिखूंगी मैं। तो ये लिखा हमने जो चीज हमें बोली गई थी, ठीक। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लें, तो K- मैं क्या लिख सकती हूँ, HI अपॉन क्या हो जाएगा, H2 का पावर 1/2
और क्या हो जाएगा, आई टू का पावर क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या बोला है कि इसका इक्विलिब्रियम के डैश की वैल्यू निकालनी है, तो के डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? देखो दिमाग में एक बात रखो कि हमें आंसर इस के रेफरेंस में ही निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इसको किसी तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम करने को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो एक बात बताओ, क्या मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, एच आई की पावर टू अपॉन क्या हो जाएगा, एच टू और आई टू, है ना, ये लिखा, और मैंने पूरे होल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से, मतलब जितने से हमने, जिस नंबर से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, उसी को मैंने पावर लेके क्या किया, पूरे से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर इसे तुम 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू तो कट जाएगा, है ना, तो एच आई आएगा, और ये पावर इसके लिए हो जाएगा, ये पावर इसके लिए भी हो जाएगा, है ना। तो ये अगर अगर मैं इस वाले में जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था, जो भी नंबर था, जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट था, उसको अगर मैंने पावर बना के होल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ऐसा ही तो कुछ आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि ये पूरा पोर्शन क्या था बेटा, के ही तो था। तो हम न्यू के डैश कैसे निकालेंगे, न्यू के डैश इज इक्वल टू क्या है, के और के की पावर क्या किया हमने, जो भी नंबर था उसको पावर बना के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो हम 2 से जब हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमने उसी नंबर को क्या किया है, उसका पावर बना के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो अगर यहाँ पे क्या किया था, हमने 2 से डिवाइड किया था। अच्छा कुछ बच्चे ये मत कंफ्यूज हो ना कि हम मैंने तो यहाँ पे 1/2 ले लिया है, मतलब बात तो यही है ना, एच टू अपॉन टू लिखते तो उसे मैंने ऐसे ही 1/2 करके ले लिया, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, ठीक। तो अब देखो, अब मैं थर्ड चीज ये समझाने जा रही हूँ कि अगर इसी इक्वेशन से क्या कर दे हम, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई इन अ गिवन इक्वेशन, है ना। तो मान लो मैं अब इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 2 इज मल्टीप्लाइड, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो इस वाले चीज को जरा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो के डैश इज इक्वल टू क्या होगा, के की पावर 1/2, है ना। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, और फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था कि के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ सॉरी के डैश इज इक्वल टू 1/k, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए होता है, RR, ठीक। अब देखो, अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये देखो, अब अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 2H2 गैस प्लस I2, 2I2 गैस विल गिव क्या, 4HI गैस, है ना, यही तो बना। अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, एच टू की पावर 2 अपॉन क्या लिख दूँ, आई टू की पावर क्या लिख दूँ, 2, है ना। तो अब हमने के डैश ये लिखा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस के डैश की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला ना, आंसर तुम्हें इसी के थ्रू ही निकालना है। तो क्या करो, एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को पूरा पूरा वहां पे उठा के लिखूं, हाँ, तो मैं पहले ये काम करती हूँ। तो मैंने क्या किया, H2 HI की पावर, HI की पावर 2 अपॉन क्या किया, H2 और ये क्या लिया, I2, है ना, ये ले लिया, ये एज इट इज यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है ना किसी तरीके से। तो क्या मैं इस पूरे को, होल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, देखो एच आई की पावर कितना आया, 4 अपॉन क्या आ जाएगा, एच टू की पावर 2 और क्या आ जाएगा, आई टू की पावर 2, यही तो आया। अब जरा देखो इसको और इसको मैच करो, सेम नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे हमने आंसर निकालने के लिए क्या किया, के डैश निकालने के लिए क्या किया, के से जो नंबर मल्टीप्लाई किया था उसी को पावर बना दिया, है ना। तो देखो किसी भी नंबर को अगर किसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो,
तो तब तुम्हें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करो, उसी नंबर को उसका पावर बना के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तीसरे वाले के लिए, क्या हो जाएगा, के डैश इज इक्वल टू क्या आया, के की पावर 2। यही तो हुआ, तो यहाँ के लिए हम यही तो लिखेंगे। तो बस ये था। अब अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या करूँ, एन को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एन एच टू प्लस एन आई टू विल गिव एन एच आई। तो यहाँ पे के डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो के डैश कैसे निकाल सकते हो, के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पार एन, है ना। तो ये सब बातें याद रखो। तो ये था तीन तरीका, तीन चार तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जो हमें सॉल्व करना होता है। आई होप ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, जो लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बचा है जो मुझे तुम लोग को समझाना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक लास्ट पॉइंट समझना है जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दिया है, मतलब एक रिएक्शन दिया है, और बोला क्या जा रहा है कि अगर मान लो कि ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रहा है, ठीक है, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, NO2 की पावर 2 अपॉन क्या लिखोगे तुम, N2 और O2 की पावर 2, है ना, यही तो लिखोगे। तो ये हमने नेट ओवरऑल, ये हमारा क्या था बेटा, ओवरऑल रिएक्शन ना, तो ये ओवरऑल रिएक्शन का हमने क्या लिख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया। अब क्या बनता है कि अब हमें ये जो दो स्टेप्स दे रखे हैं, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, K1 और K2 एक बार लिख के देखते क्या होता है। तो अगर K1 लिखते हो तुम, तो आंसर क्या आएगा, NO की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, N2 और क्या हो जाएगा साथ में O2, ये हो जाएगा, ये है K1। और अगर K2 लिखोगे तो K2 क्या आएगा बताओ, NO2 की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, NO की पावर 2 और साथ में क्या आ जाएगा बताओ, O2, है ना, ये लिखोगे। तो अब देखो, अब हमने ये चीज कर दिया। देखो यहाँ पे जो हमें निकालना है, क्या हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कभी भी अगर एक रिएक्शन दो या दो स्टेप में होता है, तो ओवरऑल उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ना हमेशा कैसे निकाला जाता है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। इंडिविजुअल स्टेप्स के जो क्या दे रखे हैं तुम्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, उनका प्रोडक्ट अगर तुम करोगे तो तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं कैसे। तो के इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रही हूँ, K1 × K2 होगा, है ना। तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ बताओ, NO की पावर 2 अपॉन क्या लिख दूँ, N2, साथ में क्या लिख दूंगी, O2, है ना, और इंटू क्या कर दूं, K2। K2 हमने क्या लिखा है, NO2 की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, NO की पावर 2 अपॉन O2, ठीक, ये लिख दिया हमने। अब जरा देखो क्या कोई चीज कट रही है, क्या कोई चीज कट रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये NO की पावर 2 ये एक दूसरे से कट गए, और बचा क्या, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, NO2 की पावर 2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, N2, है ना, N2, और क्या आ जाएगा बताओ, और क्या आ जाएगा, O2। O2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दो O2 जब मल्टीप्लाई होंगे, वन बेस आ सेम तो पावर भी तो ऐड होंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा, O2 की पावर 2। तो अब जरा आप गौर फरमाइए, तो आपको क्या दिखेगा, ये इस वाले को कंपेयर करो, NO2 की पावर 2 अपॉन N2 और O2 की पावर 2, क्या ये तुम्हें एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है। तो सिंपल अब याद रखना कि कोई भी अगर रिएक्शन दो स्टेप में होता है, तो नेट ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, ठीक है। तो ये थे तीन चार पॉइंट्स जो कि ये बताते हैं कि किसी एक केमिकल
इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई एक कंडीशन दे रखा है और दूसरा पूछ लिया जाए, ठीक है। मतलब वो दूसरा किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तुम्हें बोल देंगे इस इक्वेशन से हमने फलाना नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, फलाना नंबर डिवाइड कर दिया, या फिर हमने उस इक्वेशन को, वो इक्वेशन दो स्टेप में हुआ है, चार स्टेप में हुआ है, अब तुम उसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं डायरेक्टली, वो मैंने तुम लोग को इस वीडियो में समझा दिया है। तो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर चीजें नहीं समझ आए तो दोबारा एक बार देख लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।